उन्होंने दावे पर टिकी देश की नजरें, कोविड शील्ड ज्यादा बेहतर और असरकारक। इंदौर सहित कई शहरों में सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन लगवाने की मची होड़। देश भर में कोरोना की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे सबसे बड़े कोवैक्सीनेशन अभियान के बीच आईसीएमआर के प्रमुख डॉक्टर बलराम भार्गव ने जैसे ही अब तक का सबसे बड़ा दावा किया, ठीक वैसे ही इंदौर सहित देश भर में लोगों की दिलचस्पी सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई गई कोविशील्ड वैक्सीन पर बढ़ गई। इस बड़ी खबर के आते ही इंदौर में जगह जगह लोग कोवैक्सीन वैक्सीनेशन सेंटरों पर ज्यादा जमघट लगाते दिखाई देने शुरू हो गए। डॉक्टर भार्गव के अनुसार आईसीएमआर ने अब तक कोरोना मरीजों पर किए गए ऑब्जर्वेशन के परिणामों के आधार पर पाया है कि सीरम इंस्टीट्यूट की कोविड शील्ड वैक्सीन कोरोना मरीजों पर लगते ही तुरंत एंटीबॉडी बनने लगती है, जबकि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन दूसरी डोज लगने के बाद कोरोना मरीजों के शरीर में एंटीबॉडी बनना शुरू करती है। डॉक्टर भार्गव के मुताबिक यह साफ साफ बताया गया है कि दोनों वैक्सीन में सबसे ज्यादा बेहतर वैक्सीन कोविड शील्ड है। सीरम इंस्टीट्यूट की यह वैक्सीन कोवैक्सीन के मुकाबले ज्यादा बेहतर और असरकारक है। डॉक्टर भार्गव ने यह भी बताया कि कोवैक्सीन की पहली खुराक के बाद उत्पादित प्रतिरक्षा स्तर इतना अधिक नहीं पाया गया है और इसका मतलब है कि दूसरी खुराक पूरी प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए 4 सप्ताह के बाद ली जानी चाहिए। उन्होंने देश को बताया कि देश की अब टीकाकरण के लिए 3 वैक्सीन उपलब्ध है, जिनमें पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड, हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक की कोवैक्सीन एवं रूस से आई स्पुतनिक वी शामिल है।